हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कई प्रकार आप लोगों ने अपने घरों पर देखा होगा कि पूजा के दौरान दीपक की लौ सीधे जलते हुए एक फूल बन जाता है। उसमें कभी कभी तो फूल पूजा करने के मध्य बनता है, तो कभी कभी पूजा शुरू होने पर बनने लगता है, तो कभी पूजा समाप्त होने पर बनता है, तो कभी यह फूल चांद की आकृति बनता है, तो कभी ओम की आकृति बनता है इस फूल में, तो कभी लौंग जैसी आकृति बन जाती है। अलग अलग तरह की आकृतियां बनती हैं इस फूल में। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं पूजा के दौरान दीपक में फूल बनना। आखिर इसका क्या मतलब होता है तथा इसका हमारे तरफ क्या इशारा होता है, इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि पूजा के दौरान या किसी व्रत की स्थापना करने पर जो दीप जलाते हैं उसमें अगर फूल बनता है आप समझे कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है और उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। यह संकेत देता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं या कार्य करने जा रहे हैं इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह विशेष संकेत होता है और भी घटनाओं का शुभ संकेत होता है या कई बहुत अच्छी अच्छी खबर मिलने को होती है। इस दौरान आप घबराए ना। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यह फूल निकलना क्या होता है, इस दौरान आप उस फूल को हटा देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप दीपक को ऐसे ही जलने दें, उसे हटाएं ना। अगर फूल को हटाने की गलती करते हैं तो इष्ट देव आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके पितर भी नाराज हो सकते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे दीपक में फूल बन जाता है तो उसी वक्त आपको ऐसे उपाय कर लेने हैं कि अगर आपकी कोई मनोकामना है तो ईश्वर से प्रार्थना करके वहीं पर अपनी मनोकामना कह देना है। अगर लक्ष्मी की प्राप्ति आपको चाहिए तो दीपक के पास कमलगट्टा को रखिए और अपनी प्रार्थना करिए भगवान से कि हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि करिए भगवान। उस दीपक के आसपास फूल भी बिछा दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, कुछ प्रसाद भी अर्पित करें। अगर प्रसाद में पेड़ा या मिष्ठान नहीं है तो अपने घर में जो शक्कर होती है उसका भी भोग लगा दें और पास में चांदी का सिक्का या कुछ भी दक्षिणा देकर इसकी पूजा करें। दोस्तों, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि यह किस कारण के लिए फूल बना है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ना फूल को हटाना है। अच्छे अच्छे से भगवान की पूजा करिए और दीपक में फूल बनते रहिएगा और भगवान से प्रार्थना करना है खुशी मन से कि भगवान हमारी जो भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं या हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार है या कुछ भी है तो उस पर कृपा अपनी बरसाइए और उसे ठीक करिए। वहीं पर भगवान से तुरंत प्रार्थना कर लेनी है, अपनी मनोकामना कह लेनी है और अपने इष्ट देवता के हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद बोलना है। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको